हेलो दोस्तों, उज्ज्वल टिप्स एंड ट्रिक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये 10G का फ़ोन है, तो इसका जो है टच रिप्लेसमेंट करना है, ठीक है। तो इसका डिस्प्ले तो सही है, टच को सिर्फ चेंज करना है। तो मैंने टच मंगवाया है, ठीक है। ऑफलाइन तो मिला नहीं, मगर ऑनलाइन परचेज किए हैं, तो इसी को फिट करना है। तो देखिए कैसे करते हैं दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मगर हो सके तो आप लोग के लिए हेल्पफुल रह सकता है। तो इसको जो है हम ओपन कर दिया हूँ बॉडी, ठीक है। देखिए 10G है, तो इसका जो है डिस्प्ले को बाहर, फोल्डर को बाहर करना है अच्छा से, ठीक है। और सावधानी से ही करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो डिस्प्ले जो है तुरंत फूट जाएगा। तो देखिए हम कैसे करते हैं। तो थोड़ा सा जो है इसमें चारों बगल जो है ये केमिकल ताकि डाल दें, ताकि इसका जो जो लट्ठा रहता है वो थोड़ा थोड़ा पिघल जाए। ऐसे इसको खोलने का तो बहुत सारा तरीका है, आपको पता हो ही होना चाहिए। दोस्तों ये आराम से ही खोलना है, हड़बड़ाने का कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं तो हड़बड़ के चक्कर में दिक्कत हो जाता है। हाँ तो दोस्तों देखिए, थोड़ा सा आराम से ही खोलना पड़ता था कि डिस्प्ले ना फूटे, ठीक है। ये जो है ना, मतलब पहले जो फोल्डर जो लगाए होंगे उसमें थोड़ा चिपक गया है, थोड़ा सा आराम से खोलना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई भी वीडियो, कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें हमें। कुछ आवाज़ के, हाँ कुछ तो देखिए, थोड़ा होडगन से जो है उसका भी कभी थोड़ा यूज करना पड़ता है। देखिए दोस्तों ये खुल गया है, तो अब देखते हैं कि ये डिस्प्ले जो है इसका सही है क्या नहीं। तो देखिए दोस्तों, मैंने फिट करके, थोड़ा सा लिक्विड गया हुआ है, वो साफ़ हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्ले मेरा सही है, ठीक है। लिक्विड इसीलिए गया है कि मतलब थोड़ा सा जो है पहले जो है इसका साइड जो है, एक मिनट आपको खुल के दिखाई दे क्यों लिक्विड गया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये क्यों लिक्विड गया है, देखिए इसमें जो है ये जो ऐसा जो प्लास्टिक आता है ये पूरा कवर किया हुआ रहता है,
ये कवर किया हुआ है नहीं, इसे लिक्विड डाले तो आराम से जीवी में घुस गया, तो इसको खोलेंगे साफ उफ कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसमें टच, पहले तो इसको हम LCD और से जो है टच को अलग कर लेते हैं। ठीक है, हाँ तो देखिए दोस्तों मैंने टच खोल दिया है और मेरे ख्याल से ये खुद इजी वे में हो जाएगा। देखिए हमको सेपरेटर मशीन का ज़रूरत भी नहीं पड़ा और इजी वे में ये निकल गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है लिक्विड सब है, इसको साफ उफ कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। और दोस्तों देखिए ये अब जो होता क्या है कि बहुत सारे वर्कर होता क्या है कि जैसे टच लगाते हैं ना, तो एक चीज़ का ध्यान देना मस्त ज़रूरी है, कोई भी टच लगाइए। ठीक है, कोई भी अगर टच लगाते हैं तो उसमें ईयर जो आ जाता है, बबल जो आता है, वो क्यों आता है हम आज बताते हैं क्यों आता है। ठीक है, तो कंटिन्यू देखते रहिए, हम आपको बताएंगे बबल क्यों आता है। हाँ तो दोस्तों डिस्प्ले को थोड़ा साफ़ कर लेते हैं हम। ठीक है, और देखिए दोस्तों तो इसमें टच जो है फिट करना है तो देख लेते हैं आप। हाँ तो दोस्तों, तो सबसे पहले आप जब भी टच लगाएं तो पहले ऊपर से ही चेक कर लें। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए टच खराब रहेगा तो आप रिप्लेस तो करवा सकते हैं ना। ठीक है, तो मैंने चेक कर लिया है। ठीक है, तो आप देखिए होता क्या है कि जब आप फिट करते हैं तो एक इसमें सावधानी बरतना पड़ता है, इसमें तो पहले इसी में कनेक्ट होगा। ठीक है, तो बबल जो आता है क्यों आता है वो बता देते हैं आपको। ठीक है, देखिए दोस्तों मैंने उखाड़ लिया, जो मेरा हम जो किए हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस है, देखिए इसमें जो लिक्विड रहता है, ठीक है, जो रेपर पनीत रहता है उसमें लिक्विड रहता है, इसको जो कम से कम 2 से 4 मिनट जो है हवा में मतलब घुमा दीजिए, इस टाइप से कर दीजिए, तो क्या होगा जो भी इसका लिक्विड होगा वो सब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद साटिएगा तो बबल भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, मैंने बहुत सारा किया है। ठीक है, तो नहीं आता है वो, तो क्या होता है कि मतलब टच उखाड़ें बस लेके फिट कर दिए, उसमें बबल आएगा ही। देखिए दोस्तों मैंने कर दिया है। ठीक, अब इजी वे में आराम से जो है देखिए दोस्तों ये टच बैठ गया है, उसके बाद आराम से आप इस पर फिट कर सकते हैं। ठीक है, करके आप आराम से लिक्विड देके, ठीक है, चारों साइड अच्छा से आप फिट कर सकते हैं। तो दोस्तों क्योंकि आप फिट करेंगे तो वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, और जाहिर सी बात है आप लिक्विड जो है डाल के आराम से जो है ये लिक्विड डाल के 7,000, ठीक है, तो आराम से चारों बगल डाल के आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो जानते हैं क्या करना चाहिए आप लोगों को। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।